हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज आपको वेलकम मैं ना इस तरह ही करूँगी क्योंकि ये मेरी मच नीडेड स्किन केयर थी जो कि मुझे चाहिए थी और मैं नहीं कर रही थी पिछले कोई 15-20 दिन से, और मेरी स्किन का इतना कोई बेड़ा गर्क हो गया ना। तो आज है जी, आज थर्ड सहरी हो जाएगी सुबह, तो मैंने व्लॉग जो आज इफ्तारी के बाद ही शुरू कर दिया। लास्ट इफ्तारी का व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया, तो मैंने कहा डेली व्लॉग जो वो इसी तरह ही बन सकते हैं। और ये मेरे पास कुछ चीज़ें थी, ये है जी नानी जेयर ऑयल का फेस स्क्रब, इसको मैंने लगाया है साथ में। मेरे पास एक ये मशीन थी, मुझे याद है कि मामा ने मुझे दी थी और मैंने कभी यूज़ ही नहीं की। आज मौका मिल रहा है यूज़ करने का तो मैंने कहा अच्छा चलो ट्राई करते हैं। सो खैर उजरी पुजरी हालत आप लोग आज मेरी देख लें, बाकी जो है ना इंशाल्लाह आज आप लोग साथ साथ मेरे रहेंगे जो जो कुछ होता रहेगा। और कल का व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था मुझे बड़ा प्यार मिला, बस थोड़ा डिले हो गया 18 दिन बाद मैंने व्लॉग अपलोड किया। हाँ मुझे एक चीज़ याद आई, वो ये कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को टर्न करके दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस इस रमज़ान में जो आने वाली है ना, उम्मीद है कि रोज़ ही आएंगी, तो आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग फ़ौरन आके मेरे वीडियोज़ देखें और बहुत सारा मुझे प्यार दिखाएँ। ठीक है, अब हम चलते हैं मुँह हाथ धो के बाहर क्योंकि फ़ारूक और मुझे काम था, मामा की तरफ जाना था हमने थोड़ी देर, उधर जाएंगे वहाँ से फिर हम वापस आएंगे और मैं सो जाऊँ क्योंकि आजकल मेरी रूटीन बहुत अच्छी हो गई है कि मैं शाम को रात को 10 और 11 के बीच में सो जाती हूँ। पिछले एक हफ्ते से हो गया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक रूटीन मेरी सेट हो गई है। फारूक चले गए तरावी पे और ये सारा कमरा मुझे भी समेटना है, कुछ ये चीज़ें हैं तो बस इसको जल्दी से सेट करते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। बस इतनी देर का काम था, टेंट है ना ये हो गया, ये यहाँ रख दिया क्योंकि ये मुझे चाहिए होता है क्योंकि मुझे इसमें बहुत सर्दी लगती है। और मुझे पता ही नहीं था, मज़े ही बात है कि मेरे पास ये वाली बेडशीट है, ये मैंने आज निकाली है ना, वॉज लाइक हैं मेरे पास ये भी है। और मैं जो हूँ ना पिछले कुछ दिनों से डिफरेंट डिफरेंट पेजेस से ऑर्डर कर रही थी, मैंने ऑर्डर भी कर दी और आज जब मैंने अपनी ऊपर से कबर्ड खोली तो उसमें ये भी पड़ी हुई थी। सो या ये मैच हो गया इसके साथ। मुझे बड़ा ज़रूरी काम है, याद आया एकदम से कि शेट मैंने काम ही नहीं किया, तो मैं भी निकली हूँ घर से और गेस व्हाट, ये हुआ मेरे साथ। बैंडेज भी नहीं मिली क्योंकि मेरी जितनी बैंडेज थी ना नमल मेरे बैग में नहीं रहने देती, तो मैं जब खानपुर गई तो उसने सारी मेरे बैग से बैंडेज निकाल ली हुई थी। और हुआ ये कि इतना बुरा कट लगा मैं बता नहीं सकती। मैं पिक्चर्स काश अटैच करती लेकिन कुछ लोगों का दिल ख़राब हो जाएगा इसलिए मैं अटैच नहीं करी, और मेरे ज़िंदगी में इतना बुरा कट नहीं लगा। और अंदर तक चीज़ जो है ना वो पूरी ऐसे स्किन के अंदर चली गई है। इसके अलावा मैंने जब इसको ऐसे किया फिर जो मेरी भाई चीखें निकली जो मेरे साथ हुआ वो ये कि मेरी सेटी, मेरे कपड़े जो मैंने पहने हुए थे वो, मेरा ड्रेसिंग टेबल में भाग के ड्रेसिंग में गई टिशू देखने, वो ड्रेसिंग भर गया। मेरे फ़ोन के ऊपर ड्रॉप्स, मेरी जो नीचे फ्लोर है उस पर ड्रॉप्स, मतलब कि मैं बता नहीं सकती भाई लोग कि क्या हुआ और कितना गंदा कट लगा है। तो मेरी तो चीखें निकल गई, मैंने कहा शिट, अबे मुझे समझ नहीं आई, मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की। मैंने कभी कुछ हो जाए ना तो मैं बड़ा हौसले वाला बंदी हूँ मुझे शुरू से आदत कहने की बंदा हूँ बड़ा हौसले वाला, तो मैं बड़ा हौसले वाली हूँ, मैं कभी किसी को कॉल नहीं करती। और जनाब जब मुझे कट लगा मुझे समझ ही ना आए, रो रो के मेरा इतना बुरा हाल कि मैंने फारूक को फ़ौरन कॉल की, मैंने कहा यार मेरे कट लग गया, मैं बंद कर दिया। मुझे बेचारा टेंशन, सेंड पिक्चर, किधर हो, क्या हुआ, क्योंकि जुम्मा था। वो बेचारा अपनी जगह पे परेशान कि पिक्चर भेजो, क्या कह रही हो, क्या हुआ है, कॉल अटेंड करो। बट जनाब नहीं, मैं तो ना अटेंड करूँ अब ना कुछ करूँ। फिर उसने मेरी बेचारी सास को फ़ोन किया कि इसको कुछ हो गया, चेक करे ऊपर, बेचारी वो इतनी परेशान, मैं नीचे आई हूँ तो मैं तो रोऊँ उनके साथ आंसू निकलते। मैंने कहा यार मेरे साथ तो हुआ है, आपको क्या हुआ, कहती मुझे देख देख के हो रहा है। तो खैर बड़ा मेरे साथ बैड सीन हुआ। तो अभी जो है ना काम की तरफ निकल रहे हैं और जैसे ही काम कम्प्लीट हो जाएगा फिर हम वापस आ जाएंगे आधे घंटे में इंशाल्लाह। मुझे असल में ना मेरी याद आया कि मेरी शादी का एक ड्रेस था जो कि मैंने बनने के लिए दिया था फ्लेयर्स पे, मैंने नहीं उठाया था। उनका मुझे 2-3 दफ़ा कॉल आई कि यार पिक कर लो, और बिकॉज इतने ड्रेसेस दिए हुए थे मैंने लिबर्टी में, यहाँ वहाँ फ़लानी फ़लानी जगह पर, तो मुझे भूल ही गया कि मैंने वो भी जो है ना पिक करने हैं फ्लेयर से। तो अब मैं बस जा रही हूँ वो पिक करने, फिर मुझे फ़ौरन वापस आना है। गंदी जो है ना मुझे ये वाली रोड लगती है, इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक मैं कहूँगी ट्रैफिक है ना, कि कहीं से साइकिल आ रही है, हो रहा है, वो हो रहा है, और कोई नहीं देख रहा कि हमने किस साइड से निकलना है, किस साइड से हमने जाना है। बस ये है कि हम आगे निकल जाए, रेस एक लाते ही उनकी भाई। सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है ना वो ये कि बगैर सिग्नल के यू टर्न ले लेते हैं, बगैर सिग्नल के राइट हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, कुछ अता पता नहीं है यार। तो फिर कसूर गाड़ी वाले का इनमें निकल आता है कि जी गाड़ी वाले ने गाड़ी मार दी, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। सो खैर
वहाँ से डायरेक्ट फिर मैं आई मामा की तरफ, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था अपना। और फिर अब निकलते हैं वापस अपनी घर की तरफ। सहरी का तो मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना सकी, मज़े तो आऊँ जिस तरह कि आप लोगों को पता है इतनी छुट्टियों के बाद कोई बंदा भी काम पे जाए ना तो एक आधा काम बीच में भूल जाता है। सो मैं सहरी टाइम बिल्कुल भूल गई कि मुझे व्लॉग बनाना था। अब मैं नहा धो के फ्रेश होके नीचे आई हूँ अफ्तारी बनाने के लिए। अंकल आंटी है नहीं तो फारूक और मैं सिर्फ, सो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी जो है ना एक क्विक क्विक वाला कुछ बना लेते हैं फ़ारूक के लिए, क्योंकि मैं तो इतना ख़ास नहीं खाती बट फारूक को होता है कि थोड़ा एहतमाम होना चाहिए। सो उसके लिए बनाएंगे पाइनएप्पल टैंग एंड कुछ चीज़ें फ्राई कर दूँगी। दही भले मैंने बना दिए थे, इसके अलावा सालन वगैरह आंटी बना गई थी। सो लेट्स मेक। सबसे पहले मैं बनाऊँगी ये टैंग ताकि पानी बन जाएगा ना, फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है मैं नाम लिख लो अपना आगे। पूरा एक सेट रखना जो सिर्फ अफ्तारी में यूज होगा। किस चीज़ का?